बादल की चादर। लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सारी की सारी रट्टी रटाई लाइनें भाई है। मेरे फलक तक चल चल चल, ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज इस ब्लॉग की शुरुआत जो है ना वो हो रही है, देखो, गांव के रास्तों से। रास्तों से इसलिए हो रही है क्योंकि मैं जा रहा हूं आज ब्रोड की तरफ। तो अभी तो फिलहाल मेरी धनों का जो टायर है ना वो पंचर हो रखा है, तो उसको ठीक करवाएंगे सबसे पहले। तो उसके बाद हम जाएंगे रोड की तरफ। आज का जो मौसम है ना वो कुछ इस तरह से है। ये देखो गाइस, भाई हल्के हल्के से सुबह सुबह आज तो बादल निकल गया है भाई। ऊपर हाइट में हल्की हल्की सी जो क्लाउड्स है ना वो निकल गया है, और सामने की तरफ जो है बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है। और ये देखो जी, मैं हूँ अभी यहाँ पे, और अभी जाएंगे, बस सड़क वो है नज़दीक में तो वहाँ पे जाएंगे। अभी धनों को देखते हैं, टायर पंचर है उसका। ये देखो जी, हम पहुँच गए रोड के पास, और धनों का जो है वो, ये देखो, ये अपनी धनों है, और इसका पिछला वाला टायर जो है ना वो पंचर है या फिर कुछ हो गया, इसको देखते हैं। अभी इसको ले जाना पड़ेगा। तब मैं अभी बरोट पहुंच चुका हूं, और रास्ते में मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि भाई ठंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है लिटरली। और एक बहुत पहले मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था जो सिस्टर के साथ था, तो वहां पे उसी प्लेस पे हूं मैं। यहां का जो वेदर है ना भाई वो देखो इतना सही है ना। और यहां पे पिछली बार जैसा कि पानी निकल रहा था तो उस टाइम ओवरफ्लो था। कई बार ऐसा होता कि ये पीछे से ज़्यादा छोड़ते हैं तो यहाँ पर ना ओवरफ्लो के साथ पानी आ जाता है, बहुत ही मस्त लगता है। और खासतौर यहाँ के जो डैम के साथ साथ के नज़ारे हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत है, बट हर सीज़न में ना अलग अलग दिखते हैं। ये देखो भाई, ब्रोड के हर सीज़न में अलग अलग नज़ारे होते हैं। पिछली बार जब आया था मैं बरसात के टाइम पे तो यहाँ से ना पानी निकल रहा था और यहाँ से बिल्कुल ऐसे फूल खिले हुए थे साथ में, किनारे के साथ साथ। तो आजकल विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में इतना ग्रीनरी तो है नहीं, बट ये सब यहाँ पर इस तरह से है आजकल, और काफ़ी खूबसूरत है भाई। ये ऊपर वाले क्लाउड्स ना बहुत ही शानदार दिखते हैं पानी में, देखो कितने खूबसूरत से दिख रही है। और यहाँ से पानी आता है बट अभी नहीं इन्होंने छोड़ा हुआ है, तो इस तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। मैं ऐसी लोकेशन में पहुँच गया ना, ये देखो भाई, ये देखो जहाँ से कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर ना हल्की हल्की सी हवा लग रही है, बट यहाँ से पूरा डैम दिखता है ये सामने वाला, और एक लास्ट में जो आप यहाँ से किनारे से देख रहे हैं ना वो भी है। और यहाँ पे नीचे बनाया गया है जो फिल्टर करता ना, ये सब कुछ फिल्टर होके फिर आगे की तरफ पानी जाता है। और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वेट अपनी छोटी सिस्टर का, जो कि ब्रोट में आई थी। मुझे फ़ोन करती है कि भैया मैंने आपको देखा, मैं कहा चलो कोई नहीं आ जाओ आप भी। तो वह अभी नीचे से होके ऊपर की तरफ आ रही है, तो उसका वेट कर रहा हूँ, उसके साथ थोड़ा ऊपर जाए। तो फाइनली हम पहुंचे थे ऐसी जगह पे जहाँ से पूरा का पूरा ब्रोड वैली दिखता है यहाँ से, तो पूरे के पूरे डैम यहाँ से दिख रहा है सामने की तरफ। पर उसके साथ साथ ना यहाँ पे छोटी बहन आई थी, तो अभी हम बस यहाँ पे बैठे थोड़ा धूप सेक रहे क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी देर बैठेंगे और थोड़ी ऊपर की तरफ घूमेंगे हम जाके, इसको पता है दो तीन प्लेस जगह के, तो वहाँ पर जाएंगे और बैठेंगे, थोड़ा हंसी मजाक करेंगे और फिर चलेंगे घर की तरफ, है ना। तो ये देखो, ये पूरी डोरा मैंने लगती ये भाई इतनी ज़्यादा शर्माती है ना, और हाथ में ना 24 पैर इसके फ़ोन रहता है, पर शर्माती ऐसी है ना देखो जैसे पता नहीं। और भाई काफ़ी सही नज़ारे है इधर, ये बिल्कुल सही जगह पे लेके आई है मेरे। सूरज को हुई हरारत, रातों को करे शरारत। ये ना कब से ब्लॉगिंग करना चाहती है पर ये ब्लॉगिंग इससे हो ही नहीं रही है। इसको 2 घंटे हो गए भाई यहाँ पे कैमरा पकड़े हुए बोलो तेरे। पर इसको ना सच में कैमरा हैंडल करना नहीं आया, और हम जो है वो यहाँ पे आए हुए भाई। ये देखो, ये कोई ब्रिटिश उस टाइम जब होते थे ना अंग्रेज का यहाँ पे, तो उसका ये बैटीज होम। बचपन तो ब्रोट में बीता हुआ है, बट हमने ये इस हाउस के बारे में बहुत
सुना था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा बनाया। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज इस हाउस के पास जाके इसको एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा सा देखे भाई होया क्या आखिर। तो भाई काफ़ी खूबसूरत है, बाकी जो ब्रिटिश शासन होता था ना उस टाइम पे ये हाउस बनाया था। दो तीन हाउस है यहाँ पे, जो भी उस टाइम यहाँ पे रहते थे तो ये है। और यहाँ पे लोकल हाउसेस भी है जो कि ऊपर की तरफ है, ये देखो जी। सच में तारीफ के काबिल है ये हाउस भाई, काफ़ी मतलब ऐसा बंगलो जैसा टाइप का लगता है। ये देखो कितना खूबसूरत सा प्लेस है ऊपर की तरफ, और हमारी डोरेमोन यहाँ पे है। सच में कब से ट्राई कर रही थी ये ब्लॉगिंग करने के, पर इससे हो ही नहीं रही है। हम बहुत दिनों के बाद आए रोड तरफ, और उसके बाद मेरे को बाइक की स्कूटी दिखी, फिर मैंने अचानक से बाइक को कॉल कर दिया, और फिर हमारा अचानक से यहाँ पर आने का प्रोग्राम बन गया। सारी की सारी रट्टी रटाई लाइनें भाई है। बड़ी मुश्किल से रटाई हुई है, पर हाँ सच में हम यहाँ पे इसी तरह से मतलब कि अचानक से आए, और काफी दिनों के बाद अच्छा वाला टाइम स्पेंड हुआ डोरेमोन के साथ। इसका नाम वंदना है, बंधु मेरी सिस्टर है, मेरी मामा की लड़की है सबसे बड़ी बड़ी वाली। तो हाँ बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ और अचानक से यहाँ का प्लान बना, बहुत ही मस्त जगह भाई। अभी तो खैर मौसम भी ख़राब हो गया, और टाइम जो है अभी टाइम हो गया लगभग 4:30, तो 4:30 बजे तक हम यहाँ पे है। अभी हम शूट कर रहे थे फोटोज़ वगैरह का ना, तभी मैंने टी शर्ट में मतलब वो जो कोट लगाया था मैंने वो उतार के टी शर्ट में आ गया था। बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। हर बात पे मतलब हंसती रहती है, पता नहीं क्यों भाई, किस किस खुशी में, क्या खुशी है ऐसी, बताओ खुशी का राज बताना जरा अपनी। राज ही नहीं है, लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए ये टॉपिक के साथ मानी है भाई, ब्लॉग बनाने के लिए। देखो कुछ इसको सच्चाई है कि नहीं, झूठ बोल रहा है बोले बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, सच में टॉपिक के साथ मानी हुई है लड़की है। क्या क्या करना पड़ता है भाई इनको बनाने के लिए, देखो ऐसी ऐसी बहन है हमारे पास। तो चलो इसको टॉफी भी खिलाएंगे, नीचे चॉकलेट वाली अच्छी वाली है ना। तो हाँ मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में बस यही था, तब तक के लिए टेक केयर, बिंदास रहो, बाय बाय।